जनपद संभल के चंदौसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी के नेतृत्व में तहसील चंदौसी पर हाथरस की बेटी मनीषा हत्याकांड को एक वर्ष पूरा होने पर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार चंदौसी को सौंपा गया। कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त नारेबाजी व विरोध प्रदर्शन करते हुए मनीषा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, दलितों का उत्पीड़न बंद करो बंद करो। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी ने कहा कि हाथरस की बेटी मनीषा की मौत को एक वर्ष हो गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय किए गए वादों में से एक भी नहीं निभाया, जो बेशर्मी की पराकाष्ठा है। ना ही तो उस परिवार को सुरक्षा मिली, ना ही परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया गया, ना ही परिवार को कोई आवाज़ दिया गया। जिस तरह से बेटी का शव रात के 2:30 बजे पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया, देश में संस्कारों की बात करने वाली भाजपा सरकार के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति है। भाजपा सरकार उस समय किए गए वादों को पूरा करे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी ने कहा कि मनीषा हत्याकांड भाजपा सरकार के मुंह पर तमाचा है, जिसने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया। आज भी पूरे प्रदेश में जंगलराज कायम है, महिलाओं और बच्चों के साथ लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। सपा की सरकार आने पर मनीषा के परिजनों को सुरक्षा, आर्थिक मुआवजा तथा परिवार के लिए एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। आज हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने, एक महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम आज उपजिलाधिकारी चंदौसी को एक ज्ञापन इसलिए सौंपा है कि हमारी हाथरस की जो बेटी थी मनीषा, उसके साथ जो एक साल पूर्व जो उसके साथ दुष्कर्म किया गया था और उसी के गांव के लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसकी जीभ काट दी गई इसलिए कि वो बता ना सके, और उसकी गर्दन तोड़ करके उसका मर्डर करने का काम किया, और प्रशासन ने उसको, जो कि कभी देश में ऐसा नहीं हुआ होगा कि जो रात को ही तेल डाल करके उसको जलाने का काम किया, अंत्येष्टि करने का काम किया है। तो उसमें जब सरकार ने वादा किया था कि हम 50 लाख रुपए देने का काम करेंगे, सरकारी नौकरी देंगे, नोएडा में एक मकान देने का काम करेंगे, लेकिन सरकार ने आज तक कोई अपना वादा पूरा नहीं किया। तो हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने सरकार को, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार है, ये सुनती कम है, इसको जगाने के लिए, ताकि उस गरीब की, क्योंकि उसका परिवार आज भी हाथरस के अंदर बड़ी दयनीय स्थिति में आज भी अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है, ना उसको नौकरी मिली है, ना उसको पैसा मिला है, ना उसको मकान देने का काम किया है, आज उसी को लेकर के हमने राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन भेजा है ताकि उसकी कोई मदद हो सके। और समाजवादी पार्टी हमेशा से दलितों का, दबे कुचलों की मदद करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा से तत्पर रहती है, और उत्तर प्रदेश के अंदर तो जितना दलित उत्पीड़न हो रहा है वो आप लोगों से छिपा नहीं है। हम लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, उस बेटी मनीषा के परिवार के साथ पहले दिन से कंधा मिलाकर के हम लोग खड़े हैं, और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी भी उस परिवार के दुख में शामिल हैं, और हम सब लोग शामिल हैं। उसी को लेकर के हमने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन देने का काम किया। ज्ञापन दिया, क्या कहेंगे ज्ञापन के बारे में? आज समाजवादी पार्टी के साथियों ने जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया था। आज का दिन भारतीय संस्कृति के लिए, भारत के लिए काला दिवस है, क्योंकि आज एक बेटी को दलित होने के कारण, हाथरस की जो मनीषा बेटी थी उसके साथ गैंगरेप हुआ, उसकी जीभ काटी गई और वो ख़त्म हो गई। हम काला दिवस इसलिए मानते हैं कि भारतीय संस्कृति के लिए खासकर लगातार बच्ची तड़ती रही और दिल्ली में उसने दम तोड़ा, परिवार वाले लगातार कहते रहे कि भाई हमें अंतिम संस्कार करने दो, लेकिन रात के 2:30 बजे उसके गाँव में ले जा करके पेट्रोल छिड़क करके उसे चला दिया गया। ये देश के लिए दुर्भाग्य है कि जहाँ बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं, दलित बेटी थी मनीषा, पूरे देश की बेटी थी, उसके लिए जो वायदे सरकार ने किए थे, झूठी सरकार है ये, गूंगी और बहरी सरकार है, केंद्र और प्रदेश की सरकार से जो उम्मीद थी मनीषा बेटी के परिवार वालों को, न तो सुरक्षा मिली, और जो वायदे किए थे उन्होंने उस वक्त आर्थिक मुआवजे के, न आर्थिक मुआवजा दिया गया, न नोएडा में घर देने का वायदा था न घर दिया गया। तमाम देश के लिए ये कलंक इसलिए भी है भाजपा के ऊपर कि भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, जब मनीषा के हत्यारों को सजा आज तक नहीं दे पाई तो किस बेटी को ये सजा देंगे। इसलिए हमने आज राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया था कि उसके परिवार को सुरक्षा मिले, आर्थिक मुआवजा जो था वो मिले, और देश की अन्य बेटियों के साथ ऐसी घटना ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आज राष्ट्रपति को ज्ञापन देना।